नमस्ते जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब भी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये बन रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये बच गई है, एक फुल्का बच गया बनाने के लिए। ये क्या, और ये फुल्के बना लिए। और ये आज मैंने ये बनाया, ये करारी के फूल के बनाए हैं, पकौड़ू बनाए हैं इसके। शाम को नहीं बनाए थे मैंने, आज सुबह बनाए हैं। वो रखा मैंने, कढ़ी बनानी है मैंने आज, इसके लिए मैंने काट के रखा तड़का। बस इसके बाद इसको बनाऊंगी अभी। ये पकौड़ू काफ़ी टेस्टी होते हैं वो। और मैंने कचनार जो रखी है ना, उसका अचार बनाना, तो मैंने धो धा के रखी है, अभी थोड़ी देर में उबालूंगी फिर बनाऊंगी उसका अचार दोपहर को आके। फिर मैं, मेरे हस्बैंड बाहर काट रहे हैं लकड़ियाँ, मैं फिर खाते हैं खाना जब वो आएंगे। ये बन गई है मेरी, बना लेती हूँ कढ़ी में। फिर मैंने इंडक्शन पे रख दिया कराड़ी उबालने के लिए। डूब गए हैं ना, इतना सारा डूबनी चाहिए तभी अच्छे से उबलेंगी ना ये। इसको ढक्कन दे देती हूँ मैं। ये मैंने लकड़ियाँ बांध ली ले जाने के लिए, बकरियाँ ले आती हूँ अब नीचे से। नीचे हैं बकरियाँ, नहीं यहाँ पे ऊपर आके रख दी मैंने ये लकड़ियाँ। और ये इसमें से, ये मेरी चुनरी में से ना लेस, सारी चुनरी में से, देखो ये जो मैंने लगाई हुई है ना, ये मैंने लगाई हुई चुनरी, इसमें से ये लेस मैंने निकाल दी है। ये ना काफ़ी नई दुल्हनों वाली लग रही थी मुझे ना, तो मैंने निकाल दी भी ना लेस के, अच्छी लग रही है चुनरी ऐसे मुझे ना ये। और ये किसी सूट में यूज़ कर लूँगी मैं, सूट के किनारियों में लगाऊँगी ना तो अच्छी लगेगी, या फिर नीचे बॉर्डर में भी लगा लूँगी। नई थी चुनरी तो मैंने निकाली है, क्योंकि लेस भी अभी नहीं है ना, तो कहीं यूज़ हो सकती है। और बकरियाँ वो आ रही हैं खाने के लिए, भागी हैं वो उधर साइड से आ रही हैं वो। अरे वो ऊपर मेरी जिठानी बैठी है वहाँ पे वो, और उनकी गाय भी चल रही उस साइड। मैं ले आती हूँ अपनी बकरियाँ, वो बैठी है मेरी जिठानी, दिखाई नहीं दी होगी आपको। वो देखो गाय के मालिक ही नहीं है, इनकी गाय है, गाय चराने बैठे आई। मैं देखती हूँ अपनी बकरियाँ, और इस लेस को डाल लेती हूँ अपने बैग में। मैं नीचे से लकड़ियाँ लेके आई, फिर रख दी मैंने लकड़ियाँ, काफ़ी थक गई हूँ, धूप भी तेज है काफ़ी। और मेरी बकरियाँ उस साइड चली गई हैं, वो चली गई हैं। चलो उस साइड से आ जाएंगी तो मैं घर में जाके दोबारा आती हूँ उनको लेने ना, ये रास्ता दूसरा, और मैं दूसरी तरफ बैठी हुई यहाँ पे। और ये लगा हुआ डंगे का काम लगा हुआ, ये ना नीचे वाला हो गया था भाई, इस साइड ये मोड़ है यहाँ पे सड़क का ना, इसका लगा ही काम। तो बैठ गया लेबर वाले भी यहाँ पे। चलो मैं ना देखती हूँ, काफ़ी धूप तेज है, पसीना भी आ गया। मैंने ना थोड़ा पानी का घूंट पीने बैठ गई थी, मैं थक गई थी, मेरा ना गला भी सूख गया था, इसलिए अब चलती हूँ, नहीं तो बकरियाँ कहीं और ही चली जाएंगी। बनाई है मैंने आज पकौड़ा कढ़ी, पकौड़े से बनाई, ये डाल लिया मैंने, पानी रख दिया मैंने, ये डाल लिया हम दोनों ही आज घर में खाने वाले। आज ना लेट हो गई थी खाना बनाने में, बकरियाँ भाग गई थी दूसरी तरफ, इसीलिए बैठ गया उस साइड, लगा खाने यहाँ बैठ गई, खा लेते चलो लंच फिर।
मैं बाहर हवा लेने बैठ गई थी, मैं सोचा थोड़ी हवा ले लेती हूँ। सूट कट कर रही थी, कल नहीं किए थे मैंने ना, कल करा ली, बीनने लग पड़े थे वो काटी थी, तो मैंने आज मैंने सोचा कट कर लेती हूँ और बाहर थोड़ी हवा भी लेती हूँ। बाहर अंदर ना को काफ़ी पसीना आ गया था, गर्मी हो गई आज, कभी बारिश होती है तो ठंड और गर्मी होती है तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। और बाहर का व्यू ऐसा है शाम का, और ये नीचे हमारे गांव में है ना जगराता है, चिल्लाखोड़ी में वो सामान लेके जा रहे हैं, सभी आए हैं गांव के यहाँ, क्योंकि आगे सड़क नहीं है, काफ़ी दूर है जाने के लिए, गांव के सभी आए हैं सामान को ले जाने के लिए, मिलजुल के काम कर लेते हैं सभी ना। और किसी का ना शायद किसी ने कुछ उठाया था, छू खुल गया, वो प्लेटें थी शायद खुल गई थी, गिर गई थी, फिर से बांध ली इन्होंने, और ये जा रहे हैं सामान लेने, सामान लेके जा रहे हैं ये सभी, पता नहीं क्या है। जब दूर सड़क से दूर हो रहा, और पीछे कोई घास वाला भी जा रहा है, सड़क से दूर हो ना अगर घर तो सभी लोग मिलजुल के काम करें तो हो जाता, नहीं तो एक ही घर वाले इतना सामान ले जाएंगे, काफ़ी दूर है यहाँ से जाने के लिए पैदल, ये सड़क बन जाएगी तब तो ठीक हो जाएगा ना इनको, तभी लगा हुआ है काम, पीछे से भी आ रहे हैं कुछ लेके चले गए आके। और ये हमारे मेरे आंगन में लगा, हमारे आंगन में ना आम का पेड़ है, ये इसमें भी काफ़ी फूल लगे हैं, काफ़ी आम लगेंगे इस बार, काफ़ी आम है हमारे पास, 5-6 आम के पौधे हैं, एक तो आंगन में है ना और उस साइड ही में है, दो है ऊपर है और एक बहुत बड़ा आम वो नीचे, इस आम में ना काफ़ी आम लगते हैं, मगर ये जरा दूर रहते ये बंदर ही खा जाते हैं इसको।